Hello students, my name is Gargi Kashyap and I am here to teach you English. Today we are going to start at chapter 3 of your book Cornerstone, which is your English 2 book. Okay, so turn to page number 7 and our third chapter is subject and predicate. Okay, so first of all, what is a subject? So a subject is the part that tells us who or what the sentence is about. You know what is a sentence? A sentence is a group of words. Kuch words milke kya banate hain? Pura sentence banate hain. To us sentence mein do cheeze hoti hain. Ek to jiske bare mein baat ho rahi hai us sentence mein. Aur dusri kya hoti hai? Ki us sentence mein kya ho raha hai. Theek hai? To wo dono cheeze kya hoti hain? Pehli to hoti hai subject. Subject kya hota hai? जिसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस का मेन कैरेक्टर है. ठीक है, तो द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. किस बारे में है वो सेंटेंस, जो हमें ये चीज़ शो करता है वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिविटी करता है, जो भी काम करता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. दैट मीन्स सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी का सेंटेंस है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. सो द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और इज. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट करता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, नाउ लुक इनटू योर बुक्स. Read the sentences, identify what the sentences are about and write them in the blank. One has been done for you. Okay, look at these sentences. The car is yellow in color. ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें कि हमें इस सेंटेंस में one has been done for you. The car, तो पहला वाला आपको करके बताया है कि the car. Okay. The dog barked at the stranger. अब हमें ये बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में कौन क्या कर रहा है. तो the dog is barking. Who's barking? The dog. तो हमारा आंसर क्या होगा? The dog. The cat licked the saucer clean. तो who licked the saucer clean? The cat. तो the cat हमारी क्या होगी? हमारा आंसर होगा the cat. The doctor gave me an injection. Who gave me an injection? The doctor. तो activity किसने की? Doctor ने की. तो the doctor is our answer. David took the dog out for a walk. Who took the dog out for a walk? David. तो हमारा answer क्या होगा? David. Tom loves pizzas. Who loves pizzas? Tom. तो हमारा answer हो जाएगा Tom. Okay? We see that every sentence tells us about someone or something. ये जितने भी हमने सेंटेंसेस अभी पढ़े वो हमें किसी ना किसी के बारे में बताते हैं. जो हमने आंसर लिखा उसमें हमें किसी ना किसी के बारे में पता चलता है. एंड व्हाट दे डिड, और उन्होंने क्या किया वो भी हमें पता चलता है इससे. दस अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो हम सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से पार्ट में? एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. ओके, तो द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है, जैसे अब इन सेंटेंसेस को देखो, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग किए. ये पूरा एक सेंटेंस है तो इन दोनों सेंटेंसेस को डिवाइड कर दिया. किस किस में? सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में. ओके, सो इन दिस सेंटेंस द स्पाइडर स्पन द वेब. तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. तो द स्पाइडर इज आर सब्जेक्ट एंड स्पन द वेब इज आर प्रेडिकेट. ठीक है, इन नेक्स्ट सेंटेंस मनिंदर प्लेज टेनिस. मनिंदर इज आर सब्जेक्ट एंड प्लेज टेनिस इज आर प्रेडिकेट. क्योंकि इस सेंटेंस में मनिंदर के बारे में बात हो रही है एंड वॉट ही इज डूइंग, ही इज प्लेइंग टेनिस, दैट इज आर प्रेडिकेट. इन नेक्स्ट सेंटेंस पीटर एंड मार्टिन वेंट फॉर अ वॉक. अब इस सेंटेंस में बस दो सब्जेक्ट हैं क्योंकि दो लोगों के बारे में बात हो रही है. मेन कैरेक्टर्स कौन है? ये दोनों हैं. तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे
सब्जेक्ट हो जाएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज वेंट फॉर अ वॉक गोइंग फॉर अ वॉक दैट इज आर प्रेडिकेट. ओके सो दिस वॉज आर चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड वी विल सेंड यू द PDF of the exercise which you have to do in your books. Okay, and we will meet in our next lecture.